नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोक दल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली, वहीं सपा को 111, आरएलडी को 8 और सुबसपा को 6 सीटें मिली, जिसमें हार के बाद पार्टी अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, क्या है जयंत चौधरी का ये बड़ा फैसला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोक दल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार आरएलडी यूपी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है। जी हाँ, आरएलडी के मीडिया प्रभारी दीपक राठी के मुताबिक 21 मार्च को लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल की एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। बैठक में निर्वाचित होने वाले सभी विधायक शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष का ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने ये फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है कि अब सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दें। बता दें कि इस बार राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें सुबसपा और प्रसपा समेत कुल 4 पार्टियां थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी। बीजेपी गठबंधन को राज्य में प्रचंड बहुमत मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को कुल 273 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली है। हालांकि राष्ट्रीय लोक दल को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं राज्य के मुखिया विपक्षी समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन फेल साबित हुआ। चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि जयंत और अखिलेश की जोड़ी कमाल कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी इस जोड़ी ने एक साथ रैलियां और रोड शो किए, लेकिन अखिलेश और जयंत जनता के दिल में जगह नहीं बना सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी करते हुए आरएलडी यूपी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष को यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। बता दें, राष्ट्रीय लोक दल ने राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।